हाय गाइस, आज हम बनाएंगे ओट्स चिला, जो कि है एक हेल्दी अल्टरनेटिव फॉर योर ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, धनिया, लहसुन जीरे की पेस्ट, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जवस डैट इज फ्लैक्स सीड्स, नमक और तिल, और हमें साथ ही में चाहिए थोड़ा दही। अभी हम ओट्स को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हमने थोड़ा ओट्स लिया है और थोड़ा ही उसके साथ हम आटा भी डालेंगे। इसे हमें बस थोड़ी देर सौते करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना होगा, 1-2 मिनट्स। मेक श्योर कीजिए कि आप इसे थोड़ा मिक्स करते रहिए ताकि ये नीचे लगे नहीं और जले नहीं। अभी ओट्स और आटे के मिक्सचर को हमने रोस्ट करके इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसमें बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें थोड़ा दही ऐड कर दीजिए। इसमें तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सॉल्टी पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ। फ्लैक्स सीड्स पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये है हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे हमें फिर से ग्राइंड कर लेना है सारा मिक्स करके। अभी हमने मिक्सर में से निकाल लिया हमारा मिक्सचर। अभी इसमें थोड़ा प्याज डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से, टमाटर डाल दीजिए चॉप्ड, हरी मिर्च डाल दीजिए थोड़ी जितनी आपको चाहिए। हमने वैसे चिली पाउडर भी डाली है तो उस हिसाब से डालिएगा। गाजर डाल दीजिए, फाइनली चॉप्ड है ये गाजर, थोड़ा कोरिएंडर, और इसे थोड़ा मिक्स कर लीजिए। और फिर ये सीधा जाएगा अभी पैन में। हमने जो मिक्सचर बनाया था वो अभी हमने फ्राई पैन पे डाल दिया है। इसे अभी अच्छे से पकने दीजिए। इसके ऊपर कवर या लीड रख दीजिए। रेडी है हमारे ओट्स पैनकेक। इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं किया है। आप इसे केचप के साथ या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी इसे घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ये है एक हेल्दी अल्टरनेटिव फॉर योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू केतकी कुकिंग फॉर सच अ लवली रेसिपी।